हेलो एवरीवन, दिस इज मीशा। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन कस्टम मीनिया। सो गाइस, आज हम अपनी कार के आगे से करने वाले हैं टोइंग स्ट्रैप को इंस्टॉल। तो गाइस, ये जो टोइंग स्ट्रैप है मैंने HS टर्बो से खरीदा है। अगर आपको लेना होगा आप ले सकते हैं उनसे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। तो गाइस, ये जो टोइंग स्ट्रैप है ये आप आगे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, पीछे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, पर मैं देखता हूँ अगर होगा तो मैं आगे इंस्टॉल करूँगा। तो बेसिकली इसका यूज़ यही होता है, जैसे कहीं अगर गाड़ी आपकी फंस जाए तो टो करने में हेल्प करता है ये, पर मैं इसे खाली शो के लिए लगा रहा हूँ। तो गाइस, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल होने वाली है, तो मेक श्योर वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। ऑलराइट गाइज, आप देख सकते हैं ये हमें टोइंग स्ट्रैप मिलता है, रेड कलर मैंने ऑर्डर करा है, और इसके साथ आप देख सकते हैं बहुत मोटा इसका बोल्ट मिलता है। तो ये आप कह सकते हो डायरेक्ट असली यूज़ के लिए भी लगा सकते हो इसे, क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट में काफ़ी सारे स्ट्रैप मिलते हैं पर उनकी जो बीच की सिलाई होती है वो बहुत कमज़ोर होती है। अगर आप उसे टोइंग पर्पज़ से यूज़ करेंगे तो वो एकदम टूट जाएगी, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, काफ़ी स्ट्रांगली मतलब कह सकते हैं स्टिच्ड है। सो अगर इसके ऊपर से देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एंगल टाइप में मिलता है, और ये आपकी जो कार की टोइंग स्पेस होती है वहाँ पर आराम से फिट हो जाएगा। गाइज, आपको यहाँ पे TRD की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और इसके साथ जो ये नट मिलता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी बड़ा नट है कंपेयर करेंगे अगर हम छोटे नट से तो। और गाइज, अभी मैं इसे फिट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे रख लेता हूँ, अगर कभी मुझे कहीं फ्यूचर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसे यूज़ कर लूँगा। चलिए दोस्तों, अब इसे फिट कर लेते हैं गाड़ी के आगे, और मैं इसे थोड़ा सा बोनट के वहाँ पर एक स्पेस मुझे मिली है मैं वहीं पर इसे फिट करूँगा, और आप भी अपने हिसाब से इसे एडजस्ट करके फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत परफेक्टली फिट हो चुका है हमारी कार के आगे से, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो गाइस, अगर आपको ये लेना होगा आप इसे ले सकते हैं HS टर्बो से। इसकी जो प्राइसिंग है वो 200 रुपीज़ है, यानी कि 199-200 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, प्लस शिपिंग चार्ज होते हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, थोड़ा सा अमाउंट होता है। तो अगर आप ऑनलाइन भी देखते हैं तो आपने देखा होगा 300+ में मिलता है, तो अगर आप वहाँ से लेना चाहें तो आपको ये काफ़ी चीप रेट में मिल जाएगा। तो गाइस, पीछे नहीं सिर्फ फ्रंट में फिट करा है, और बहुत बढ़िया लुक आ रहा है गाइस इसका, और ये अगर आप कह सकते हो कि एक ओरिजिनल टोइंग पर्पज़ के यूज़ में भी आ सकता है, अगर आपने इसको अच्छी जगह पे प्लेस करा हुआ है। अच्छी जगह मीन्स जहाँ पे जो इसकी पोजीशन है वो किसी अच्छे नट पे है, कि अच्छे एंगल पे है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लोड डालेंगे तो क्या होता है, नट टूट जाते हैं। तो अगर आपकी जो पोजीशन है वो अच्छी है तो आप इसे असली टोइंग पर्पज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी ये जस्ट एक शो पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। सो गाइस, आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला था, भाई बेसिक एक्सेसरीज़ की वीडियो बनाओ, या फिर अपने हिसाब से कोई अच्छे जो सिस्टम है म्यूजिक सिस्टम वो सजेस्ट करो, या फिर कार की एक्सेसरीज़ हमें सजेस्ट करो। तो दोस्तों, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन के वहाँ पे एक लिंक दे रहा हूँ हमारे Amazon स्टोर का, आप एक बार वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी बेसिक एक्सेसरीज़ मिल जाएंगी, प्लस आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाएंगे, प्लस इसेंशियल जो एक्सेसरीज़ कार के लिए होती हैं वो सारी एक्सेसरीज़ वहाँ पर मिल जाएंगी, कॉम्पोनेंट्स, एम्पलीफायर, जो मैंने अपने हिसाब से रेकमेंड करें और जिनको मुझे लगता है कि अच्छा चलेंगे और जिनकी लाइफ स्पैन अच्छा है, वही मैं आप सबके साथ वहाँ रेकमेंड करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप में से किसी को कुछ लेना होगा आप एक बार वहाँ जाके ज़रूर विजिट कर सकते हैं।
काफ़ी अच्छी डील्स आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर आपका बजट कम है तो वहाँ जो सिस्टम है वो कम से स्टार्ट होते हैं और हाई एंड सिस्टम तक जाते हैं, आप एक बार वहाँ जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ओके गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना रखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये वीडियो बहुत शॉर्ट एंड सिंपल थी। सो मिलते हैं ऐसी अगली मज़ेदार वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कस्टमेनिया शाइनिंग ऑफ।